पहली पैनलिस्ट हैं यहाँ से प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, ये वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेमेन यूनिवर्सिटीज इन एशिया, इसका स्टूडेंट नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने पीजी किया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जिस तरह से डॉक्टर ताहिर रहमान हमारे हमारे ओपनिंग स्पीकर थे, इन्होंने इनको कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिला था जिस पर उन्होंने पीएचडी किया, और उसके अलावा उन्होंने पोस्ट डॉक किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स से। इनके 200 से ज्यादा पेपर जो हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में शाया हो चुके हैं, और साथ ही इनको 2017 में सितारा इम्तियाज नहीं तमगा इम्तियाज जो है वो सिदार्थी तमगा इम्तियाज का अवार्ड भी मिल चुका है। तो एक ओपनिंग क्वेश्चन से हम भी फेंकेंगे कि जो ऑफलाइन एजुकेशन है उसके फ्यूचर के हवाले से एक मुख्तसर जवाब जो कि हम तमाम स्पीकर से चाहेंगे, उनका क्विक कमेंट इसके ऊपर क्या है, और फिर हम थोड़ा सा स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन है उनकी जाने बढ़ेंगे। जी, ओवर टू द पैनल। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर बुशरा मिर्जा की जाने। First of all, thank you very much for inviting me. It's such an honor to share forum, you know, with the eminent people, especially like Ataur Rahman. I'm truly humbled. Aur yakeenan ye bahut zabardast initiative hai Aquat ka, jo ke sab logon ke liye is an example to follow. Kyunki iski bahut zarurat hai aajkal ke daur mein, ek empathy aur ek ट्रू सेंस में लोगों की कैसे एक रिस्पेक्टेबल तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है, जो कि यकीनन बहुत एजाज की बात है। और यकीनन बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं, हम सोचते तो सभी हैं लेकिन बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली इतना कुछ कर पाते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने किया है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, यू नो आई थिंक कि ये जो कोरोना की सिचुएशन डेवलप हुई है जहां पर इसने बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, वहां पर इसमें अपॉर्चुनिटीज आई हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि कैसे हम अपनी टीचिंग को रिसर्च को सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। लेकिन यू नो ब्लेंडेड एजुकेशन या हाइब्रिड एजुकेशन की बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग या ब्लेंडेड हाइब्रिड टीचिंग जो है जिसमें मिक्स है कि आपकी कुछ पार्ट आप ऑनलाइन करते हैं, कुछ आपकी फेस टू फेस लर्निंग होती है, दैट इज द फ्यूचर। लेकिन जो आपने ये बात की कि ऑफलाइन टीचिंग जो है, मैं नहीं समझती कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक अपनी अहमियत है। जहां पर ऑनलाइन टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, खासतौर पर जी मैं वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हूँ, तो खवातीन के लिए अक्सर जो है वो मूव करना इतना आसान नहीं होता, ट्रेवल करना मुश्किल होता है विद देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इस वजह से ऑनलाइन टीचिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे डॉक्टर ताहिर रहमान बात कर रहे थे, यकीनन इसने ऑनलाइन टीचिंग ने ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि हम दुनिया के बहुत ही शानदार प्रोफेसर्स जो हैं उनके लेक्चर्स सुन सकें, और हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स उससे अफादा हासिल कर सकें, तो यकीनन इससे हमारी टीचिंग इम्प्रूव होगी। लेकिन स्टिल आई फील के ऑफलाइन टीचिंग की अपनी एक अहमियत है और वो बिल्कुल टोटली खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक तो आपकी बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको लैब वर्क जरूरत होती है, जिसमें डायरेक्टली आपको फिजिकली वहां पे मौजूद होना जरूरी होता है एक प्रैक्टिकल नो हाउ के लिए। और उसके अलावा मैं वैसे भी समझती हूँ कि एक जो यू नो एक टीचर स्टूडेंट जो बॉन्डिंग है वो, मैं खुद प्रोफेसर रही हूँ, टीचिंग मैंने 20 प्लस इयर्स की है, और आई रियली चेरिश दोज मोमेंट्स व्हिच आई स्पेंड विद माय स्टूडेंट्स, एंड यू नो बिकॉज आई फील के टीचर का काम जो है वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइडर नहीं है बल्कि उसने इंस्पायर करना होता है, उसने मोटिवेट करना होता है, और उसने और भी बहुत कुछ सिखाना होता है अपार्ट फ्रॉम जस्ट द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यू नो जिसमें सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं, एक यू नो इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, सोशल स्किल्स आ जाती हैं, और ओवरऑल जैसे मैंने कहा इंस्पायर और मोटिवेट करना होता है। तो एक स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग यू नो बाकी मेरे ऑनरेबल जो पैनलिस्ट हैं वो शायद हो सकता है मेरी बात से 100% एग्री ना करें, लेकिन मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि वो एक स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग बहुत अहम है, जिसके लिए जो ऑफलाइन टीचिंग है वो मैं बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म होते हुए नहीं देखती या नहीं देखना चाहती, कि वो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहरहाल इम्पोर्टेंट है और रहनी चाहिए। अलबत्ता यू नो
what I see or what I want to see is more sort of hybrid or blended education, as respectable Dr. Atau Rehman also mentioned. Ji, Dr. Bushra, thank you so much.